देखिए, अभी शायद किसी जो कैंडिडेट थे उनकी तरफ से कोर्ट ने सुना कि एप्लीकेशन गई थी अगले 72 घंटे तक, इसको पोस्टपोन किया था अगले 72 घंटे के बाद इंशाल्लाह सिचुएशन सॉल्व होगी। अभी असेंबली सील किसने कर दी है सर? असेंबली सील वो तो पुलिस वाले आए थे, और वो जो अपना बम डिस्पोजल जो स्क्वाड था वो आए थे, उनके पास कोई जाहिर है कोई ना कोई इतला होगी तभी वो। 6 घंटे से क्या हो रहा है अंदर आकर? मैंने कुछ भी नहीं हो रहा है, असेंबली में उन्होंने कहा कि भाई बम स्क्वाड, उस वक्त तो इशू नहीं था, लेकिन अभी चूंकि अदालत का फैसला है तो अदालत के फैसले को हमने गिरफ्तारियों की इत्तला है। कोई इशू नहीं, अगर गिरफ्तार करते हैं, अगर हमने कोई ऐसा, अल्लाह माफ करे, कोई ऐसा काम किया हो जहाँ पे मेरे खिलाफ कोई FIR है तो सो बिस्मिल्लाह हमें गिरफ्तार। कोई प्रेशर है सर? कोई फोन वोन आया कहीं से आप लोगों को? नहीं, मुझे कोई फोन अभी तो कोई फोन नहीं है। नहीं नहीं सर, आपके पार्टी के मेंबरान सारे मुतहर हैं, क्या है समझा जा रहा है कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन गया? देखिए, ये तो जब इलेक्शन होगा तो तब पता चलेगा। स्पीकर की इलेक्शन में आपके कुछ अरकान ने पार्टी की जो पॉलिसी थी उसकी मुखालफत की थी, वहीं यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं, तो पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया? ये तो आप अब इस मौके पे मुझसे पूछते हैं जहाँ पे इसका सवाल का। अच्छा, पार्टी मुतहिद है तो फिर हाजी गुलबर साहब अलग हो गए हैं या? देखिए, पार्टी मुतहिद का मेजॉरिटी जहाँ पे खड़ी होती है पार्टी मुतहिद कहलाती है, मुझसे ज़्यादा आप लोग बेहतर समझते हैं, बहुत मानते हैं। अब तक राजा आजम साहब ही हैं पार्टी उम्मीदवार। देखिए, राजा आजम साहब के साथ चूंकि बल्तिस्तान के 10 मेंबरान थे वो अक्सरियत पे थे, हमने उनको सपोर्ट करने की बात की। और बताएं कोई बात अगर पूछ ले। खान साहब ने किसको फाइनल किया सर? ये मुझे नहीं।